गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जो है बहुत सारे कंटेंट जो है रिलीज़ होने के लिए तैयार है ओटीटी प्लेटफॉर्म में। सो लेट मी टेल यू गाइस, इस हफ्ते यानी कि ये थर्ड वीक ऑफ मार्च है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि जिसका ट्रेलर पिछले हफ्ते ही आया था। ना आप लोग सोचोगे भाई मैंने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मार्च के कॉन्टेंट कौन कौन से रिलीज़ होने वाले किस तारीख में, उसमें तो बहुत सारे सीरीज़ या फिल्म्स का बारे में बताया ही नहीं। सो देखिए गाइस, बहुत सारे फिल्म एंड वेब सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी जो है उसके अनाउंसमेंट हुए ही नहीं था। अब दो तीन दिन पहले ही उसके अनाउंसमेंट हुए और एक दो करके ऐसे अनाउंसमेंट हुए, तो मैंने उस पर और सेपरेट वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये इस हफ्ते वाला कंटेंट के लिस्ट बनाने वाली थी, तो इसीलिए। सो इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन से कंटेंट जो है किस दिन किस वक्त रिलीज़ होने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस हफ्ते के लाइनअप्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले बात करते हैं कि कौन सा कॉन्टेंट रिलीज़ हो रहा है। तो 18 मार्च से जो है सारे कॉन्टेंट रिलीज़ हो रहे हैं। सो पहला कॉन्टेंट है 18 मार्च का अपहरण सीज़न 2। सो फाइनली 5 साल बाद अपहरण का नेक्स्ट सीज़न चुका है। लोग जो है भाई उतावले हो रहे थे कि भाई कब आएगा। फाइनली इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। अब ये एल्ट बालाजी पे नहीं, ये वूड सिलेक्ट पे रिलीज होगी और ये जो है वेब सीरीज है और इसका स्ट्रीम टाइम जो है 12 AM से पहले है, यानी कि आपको 17 तारीख के रात को 11:30 नहीं तो 11 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी ये सीरीज वूड सिलेक्ट में। सो आप लोग इस वेब सीरीज़ के लिए कितना उत्सुक हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भाई बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ एंड ये इसका ट्रेलर बड़ा ही अमेजिंग था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि यहाँ पे और एक वेब सीरीज़ है Z5 की जो कि 18 मार्च में ही रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है ब्लडी ब्रदर्स। सो इसका स्ट्रीम टाइम है 12 AM। सो इसमें मोहम्मद जिशन अयूब एंड जयदीप अहलावत जो है भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इसका ट्रेलर भी मुझे बड़ा ही मस्त लगा था। अब देखते हैं कि ये वेब सीरीज़ भी कैसे कमाल करती है या नहीं करती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है यहाँ पे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जिसका नाम है एटर्नली कंफ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ट्रेलर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था। मुझे ऐसे मॉडर्न डे लव नहीं तो अनरियलिस्टिक लव नहीं तो वो जो बोलते हैं ना कि भाई कैसे फेरी टेल वाले नहीं तो अलग किस्म के जो हम लोग फैंटेसाइज करते हैं वैसे टाइप की लव स्टोरी लग रही है। अब मुझे इससे इतनी कोई खास उम्मीदें नहीं है। इसका स्ट्रीम टाइम मैं बोल दूँ 12:30 PM दोपहर को, यानी कि इस शुक्रवार यानी कि 18 मार्च को आपको 12:30 PM से 12:30 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी ये सीरीज़। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है सारे फिल्म्स जो कि 18 मार्च में ही रिलीज़ हो रही है। सो 18 मार्च का पहला फिल्म है जो कि रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है जलसा, जो कि हिंदी फिल्म है। अब ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने वाली है। सो जलसा फिल्म भाई बहुत जल्दी बन गया एंड बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो रहा है 18 मार्च को। इसमें शेफाली शाह एंड विद्यावलन मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये फिल्म जो है 12 PM को आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 17 तारीख के रात के 10 बजे नहीं तो 10:30 बजे से आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पे ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है यहाँ पे मलयालम फिल्म सल्यूट। अब गाइस सल्यूट जो है मलयालम फिल्म जो कि थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जनवरी में, वो पोस्टपोन्ड हो गई बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, कोविड के सिचुएशन ठीक नहीं थे इसी की वजह से, मतलब यार सिचुएशन ठीक नहीं थे कोविड की वजह से। एंड अब जो है ये डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रही है। सो ये फिल्म जो है रिलीज़ हो रही है सोनी लिव पे। सो जिसको पता नहीं है मैं बता दूँ, इस फिल्म में जो है दुलकर सलमान जो कि पॉपुलर एक्टर है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, वो फीचर कर रहे हैं और डायना जो कि हिंदी फिल्मों में फीचर कर रही है वो उनके ऑपोजिट फीमेल लीड प्ले कर रही है। अब इस फिल्म का स्ट्रीम टाइम जो है 10:30 PM है, यानी कि 17 तारीख को 17 मार्च के रात के 10:30 बजे के अराउंड से आपको सोनी लिव पे ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। और इसका ट्रेलर भी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये कॉप ड्रामा लग रही है एंड कॉप ड्रामा ही एंड इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फिल्म का भी इतना ज़्यादा कुछ हाइप नहीं है ना ही इतना ज़्यादा अच्छा प्रमोशन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है अनदर फिल्म जो कि इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम है डीप वाटर और ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे आपको देखने को मिलेगी। सो ये एक एरोटिक थ्रिलर मूवी होने वाली है। सो जो भी मुठ लवर्स हैं, मुठ कन्याएं हैं, जिनको भी चौदम पट्टी वाले सीरीज़ या फिल्म्स पसंद है, तो उनके लिए भाई इस हफ्ते कुछ ना कुछ खास तो है, क्योंकि ये फिल्म जो है आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पे और इसका स्ट्रीम टाइम है 12 AM, यानी कि जैसे ही 18 तारीख लगेगी 17 तारीख के रात के 12 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी ये फिल्म।
सो अब बढ़ते हैं आखिरी कंटेंट की तरफ इस हफ्ते की, जिसका नाम है ललितम सुंदरम। सो ये भी एक मलयालम फिल्म है और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। सो गाइज, मुझे एक कंप्लेन है डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कि आजकल उन लोग को हुआ क्या है, मतलब वो लोग ना ही कुछ मतलब प्रमोट कर रहे हैं अपनी सीरीज़, मतलब सिर्फ मैंने देखा अजय देवगन जी का जो आया था रुद्र, उसको ही उन्होंने प्रमोट किया था, उसके अलावा ना ही ये ललितम सुंदरम का एक भी उन्होंने पोस्ट भी नहीं डाला कि भाई ये फिल्म कब आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे गूगल में सर्च करते वक्त मिला कि भाई ललितम सुंदरम जो एक फिल्म नामक का है जो कि रिलीज़ हो रहा है अभी इस हफ्ते। अब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि भाई इसमें मंजू वरियर, बिजू मेनन एंड दीप्ति साती जो है इम्पोर्टेंट ट्रिपल कर रहे हैं। सो इस फिल्म के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसमें जो है मंजू वरियर जी की माधरम मतलब माता जो है वो इस मूवी को डायरेक्ट की है। अब इसका स्ट्रीम टाइम भी 12 AM है, जितना मैं जानती हूँ, मतलब जितना मैं एस्टिमेट कर रही हूँ, अगर इसका स्ट्रीम टाइम चेंज हुआ भी तो आपको इवनिंग के अराउंड भी देखने को मिल जाएगी, 5:30 PM नहीं तो 7 PM नहीं तो 7:30 PM को भी, क्योंकि पिछले साल तो सारे के सारे फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ जो होती 7:30 PM में रिलीज़ होते थे, लेकिन क्या हुआ ना अभी इस बार मारन जो है अभी पिछले हफ्ते जो रिलीज़ हुआ था वो भी 5:30 PM से देखने को मिला था। तो अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार जी का अगर दिमाग कहीं मतलब मन मर्जी उन्होंने अपनी की नहीं तो उनका मूड थोड़ा बदल गया कि लेट रिलीज़ करते, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती नहीं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का क्या हुआ, यहाँ उनका कुछ पता नहीं है, मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ भी पता है, आइडिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से मैं एक छोटी सी हेल्प मांग रही हूँ। सो इतने ही सारे कॉन्टेंट है जो कि इस हफ्ते रिलीज़ होने वाले हैं। आप किस कॉन्टेंट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।